रिप्ली सब, जो आपने एक रिक्रूटमेंट यहाँ पे अनाउंस की गई थी, कई दिनों तक फॉर्म भरे गए यहाँ पे, और उसके बाद अचानक आपका ऑफिस जो है वो सील हो जाता है कल 12 बजे, और उस पर वाजह तौर पर ये लिखा जाता है कि देर इज़ नो रिक्रूटमेंट इन हाइड्रिक सब डिवीजन करना, आपका वहाँ पे सील लगी हुई है। मसला क्या है और लोग जानना चाहते हैं कि वजूहत क्या थी, क्या ये सच्ची में रिक्रूटमेंट थी या फिर स्कैम था? देखिए, ये जो जल जीवन मिशन स्कीम है, इसमें एक तो उसमें हमें करना है, एक पंचायत समिति बनानी है हमें, उसमें 5 मेंबर होते हैं। दूसरा, उन्हीं को देना है हमें थ्रू सरपंचस मैन पावर। मैन पावर में हमें कुछ 5 आदमी ये उनको पता है, ऐसे 2 ग्रेजुएट लड़कियां देनी है रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। तो बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्कीम्स, ठीक है, ये कर रहे थे, ऐसे वाले कर रहे थे। मीन वाइल कुछ पॉपुलर जो यहाँ के लीडर हैं, मसलन राजा मंजूर हैं, दूसरे, उनके फोन आने लगे कि कुछ रिक्रूटमेंट यहाँ चल रहा है जी। तो इस पर मुझे एक लेटर आता है एसी साहब की तरफ से 12/12/2023 को, मैं आपको पढ़ूँ। उसमें उसमें लिखा जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैन पावर फॉर ट्रेनिंग थ्रू PMKVK ITI अंडर JJM जी प्रोग्राम। तो इन व्यू ऑफ द कंप्लेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स, यू आर टू इंश्योर दैट ऑल द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन बाय द ISA एजेंसी इन योर डिवीजन आर कंडक्टेड इन ट्रांसपेरेंट मैनर। ये मेरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लिखता है। और फिर क्या लिखता है, पर्टिक्यूलर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैन पावर फॉर स्किल ट्रेनिंग थ्रू PMKVK/ITI should be done in consonance and recommendation of public representatives of the respective panchayats and according to requirement of PHE subdivision of your division। ये आता है ऑर्डर एक। तो थोड़ा बहुत इसमें मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ क्या सिलेक्शन हुई है, क्या हुआ, मुझे अभी तक पता। ये ISA बाहर से ही करते थे, क्या करते थे, क्या मींस क्या हो सर ISA? ये कुछ एजेंसी है, एक प्राइवेट एजेंसी एक है जो 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 हमारी कुछ एक्टिविटीज़ देखते हैं प्राइवेट। दे आर कॉन्ट्रैक्टर्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, उनको ऐसी सब एंगेज करते हैं। सर, इसमें लिखा है, जहाँ तक आपने अभी ये लेटर पढ़ा, कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, चाहे सरपंच की बात करें या पंचों की बात करें, वो लिस्ट प्रोवाइड करेंगे नॉमिनेट करके, 2 फीमेल्स की और 3 मेल्स की। बट यहाँ पर कल 2100 से जाहिद सीरियल नंबर यहाँ पे आपके ऑफिस में पहुँच चुके हैं। नहीं, 2100 नहीं, 500 कुछ हुआ है, 500 कुछ हुआ है, 500 कुछ। तो देखिए, इसमें आप ये भी कहा जाता है कि इसमें 15,000 रुपये सैलरी है या 20,000। ये गलत है, ये झूठ। इसमें कोई सैलरी नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। देखिए, रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास जो रिक्रूटमेंट करती हैं, उसमें SSRB है, उसमें मतलब बड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी रिक्रूटमेंट एजेंसी जिनको करना। ये कोई रिक्रूटमेंट, ये मैं क्लियर कर दूँ, कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, कोई इसमें ये पे नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, हमें इतना कहा गया था, जो सरपंच आपको लिस्ट देंगे, जो पंचायत, जो पब्लिक PRIs जो देंगे, दैट यू हैव टू कन्वे टू हायर अपर्स। नहीं, अगर सरपंच का बोला गया था तो आपने जो है अपने ऑफिस में फॉर्म क्यों सबमिट? फॉर्म जब 400-500 आ गए तो हमने DDC मैडम से एक मीटिंग की, यहाँ के PRI से, हमने कहा कि फ्लड गेट ओपन, पूरा तहसील बंद कर दिया उन्होंने, लोगों ने वो फाइलें लेके आ गए। तो लास्ट पर लाइन ऑर्डर बचाने के लिए PRI कह रहे हैं कि हमें इसके बारे में कोई आंसर नहीं। नहीं, PRI की मेरी मीटिंग हो गई DDC मैडम से, मेरी मीटिंग हो गई BDC रियाज साहब से, तो उसमें यह कहा गया कि आप लीजिए, फिर आप हमें वो फाइलें कंसर्न पंचायत को भेजना। सर, आप भी डायरेक्टर जो है जी नीतू साहब, मैंने उनसे कल रात को बात की, उनका कोड है कि हमें ऐसी कोई स्कीम, है ही नहीं, टोटली है ही नहीं। ये हमारे पास आए जब हम पर पब्लिक प्रेशर पड़ा, तो हमने वो फाइलें इसलिए दी थी कि हम पंचायत को कंसर्न पंचायत को देंगे। सर, पब्लिक प्रेशर का ये मतलब नहीं है कि आप जितने भी नौजवान पढ़े लिखे नौजवान हैं वो सड़कों पे घूमे और एक लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन बने। सर, मैं इस वक्त भी क्लियर करना चाहता हूँ दैट देयर इज नो सच रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इफ देयर विल बी एनी रिक्रूटमेंट ड्राइव, इट विल बी ऑन हायर लेवल, इट विल बी ऑन स्टेट। अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं है तो आपके ऑफिस ने किस तरह से ये फाइलों को एक्सेप्ट किया? सर, ये इसी तरह आ गए, एक ने ठोक दिया भाई। आपने सीरियल नंबर इशू किए हैं, कहीं एक लड़कों को सीरियल नंबर इशू हुए हैं जो कल कंप्लेंट कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। जो ही ये फ्लड हो गए, जो ये ज्यादा आ गए ना, फाइलें आ गई, तो मैंने उसी वक्त अपने गेट पे चश्मा की नोटिस, दैट देयर इज नो रिक्रूटमेंट, देयर इज नो सच, यू गो टू योर कंसर्न पंचायत, वो हमें ये 5 नाम भेजे। और इसमें कोई सबसे बड़ा मसला है कि फॉर्म कहाँ से आए, ये फॉर्मेट किसने निकाला, ये कहाँ से आ गया, ये हमारे पास नहीं है, ऐसे वाले के पास है फॉर्म, हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है जो हम इनको दें कि आप ये फॉर्म आके भर लो, कोई नहीं, ये बिल्कुल गलत है, रिक्रूटमेंट ड्राइव नहीं है। इस सिलसिले में मेरे ऑफिस से
पीएचई डिपार्टमेंट से कोई रब्ता ना करें, ये नौजवान जाएं कंसर्न पंचायत, अगर ये जाना भी चाहते हैं उस कमेटी में तो दे शुड गो टू कंसर्न पंचायत से पीआरआई सर। प्रिपरेशन करें वो दूसरे कोर्सेज के लिए पढ़ें, उनको यहाँ कैटेगरी है ऑलरेडी, वो किसी और इस एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वालिफाई ये तैयारी करें, ये इसमें अपना टाइम जाया ना करें, ठीक है। ये जो रिक्रूटमेंट पीएचई डिपार्टमेंट कर रही है जेजेएम के थ्रू, आपको कोई इल्म है आपके थ्रू जो है इन्होंने कहीं एक फॉर्म जो है सबमिट कर दिया, अब जो है इन्होंने लॉग भी कर दिया था, आज फिर खोल दिया, क्या इसमें पूरी बात इस तरह की है कि वीरवार का दिन था जी, मतलब ये पिछला वीरवार जो मतलब दो चार दिन पहले की बात है, तो यहाँ पे बहुत सारे लड़के आए तो फार्म भरने लगे जी, तो हमने नज़र मारी, वो कुछ खास फार्म हमें नज़र नहीं आया, तो लड़के सब हमारे पास आए, बोला जी वो बोलते हैं सरपंच इसको मोर करके सेंड करके देंगे, तो हमने दिए लड़कों को, मगर हमें इस बारे में कोई पता नहीं था, ना हमने नोटिफिकेशन देखी, ना हमने इसका कोई ऑर्डर हमें पता है, ना हमें इस बारे में पता नहीं, वो होगा असिस्टेंट साहब को जी, जिस असिस्टेंट साहब ने वहाँ पे फार्म पकड़े, वीरवार को भी पकड़े, जुम्मा को भी पकड़े, बार को भी पकड़े, बीच में संडे था, सोमवार को भी पकड़ा, और मंगलवार को 12 बजे दफ्तर बंद करके भागे, और आज फिर आए फिर लड़कों से पकड़ा जी। हाँ, इसके बारे में स्टैंड साहब जवाब देंगे, उन्होंने कैसे पकड़े क्या किया हमें इस बारे में कोई पता नहीं है। अलबत्ता एक बार पानी जनशक्ति के हवाले से एक टीम आई थी, उन्होंने ये कहा था कि हर पंचायत में 7-7 आदमी लगाने हैं जी, मतलब जिसको मतलब कोई मैनेजमेंट गवर्नमेंट करेगी, कोई गांव करेगा जी, तो उसमें कुछ लोगों के नाम मतलब देने हैं, तो मगर उन्होंने भी कोई रिटर्न ऑर्डर या ऐसे नहीं था, तो पंचायतों में आके सब पंचायतों में घूम के उन्होंने बताया था, तो उसके बाद मतलब काफ़ी टाइम गुजर गया, तो हमने यहाँ पे देखा फार्म भरते हुए, तो बहुत सारे लड़के हम आए हर सरपंचों के पास आए, उन्होंने उसको आइडेंटिफिकेशन किया कि हाँ ये हमारे पंचायत के हैं, बाकी उसके अलावा हमने उतना फार्म पे देखा क्वालिफिकेशन ना देखा हमने उसके ऊपर, मतलब कोई डेट थी ना देखा उसके ऊपर कुछ और था, तो उसके जुम्मे असिस्टेंट साहब हैं हम नहीं हैं, अलबत्ता हमारी नारी में ये कोई नौकरी नहीं है हमारे हिसाब से, तो हमने लड़कों को बहुत सारे लड़कों को समझाया भी कि आप बेटे मतलब आप पैसे खर्च ना करो बेकार है, फिर हमने उनको उन्होंने बोला नहीं जी आप मतलब आप स्टेम नहीं लगाते, हमने कहा हम तो अल्टीफेशन करने के लिए तो जरूर करेंगे, क्यों आप हमारी पंचायत के, हमने करके दे दिए। सर अब जो नौजवान कल भी आएंगे या फिर आएंगे उनको क्या मैसेज रहेगा मेरे हिसाब से, देखिए आज भी हम गए थे तहसीलदार साहब के पास भी, वहाँ उन्होंने भी बुलाया था, BDC साहब भी थे, हम भी थे, AWE साहब भी थे, उन्होंने वहाँ पे कहा कि भाई हमें इसका कोई ऑर्डर नहीं है, तो मैं हमने उनको कहा आपके सामने की बात है ये, उन्होंने उनको कहा कि भाई आपने जब बाकी लड़कों के पकड़े तो इनको भी पकड़ो, तो आज दिन और कल दिन पकड़ लो, उसके बाद जो डिसीजन होगा तो हो जाएगा। सर अब दूर दूर से लड़के आएंगे, अगर ये कोई नौकरी नहीं है कुछ नहीं है तो फिर आप मेरे ख्याल में दूर दराज के नौजवानों से अपील क्या रही? देखिए ना हम किसी हम ये कहें जी हम गवर्नर साहब से मिले थे, हम ये कहें जी हम DC साहब से मिले थे, ये कुछ है हमें कुछ पता नहीं है, ये असिस्टेंट साहब को पता होगा, ये जवाब वही देगा। शुक्रिया।